नमस्कार दोस्तों, एहसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एहसार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेडमी के एयरडॉट्स की अनबॉक्सिंग, जो कि हमें रिसेंटली मिला है फ्रॉम चाइनीज मार्केट। हम लोग ने खुद से परचेस किया है। इसकी प्राइस है लगभग 99 युआन, मतलब अराउंड 1000 रुपीस, लेकिन हमने इसको परचेस किया है अराउंड 1500 रुपीस। तो देखते हैं यहाँ पे इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। रेडमी एयरडॉट ये एक वायरलेस डिवाइस है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। दोनों साइड पे एक छोटे से हेडफोन्स होते हैं जो कि इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं तीन चीज़ें मिलती है। ये है केस फॉर दिस हेडफोन्स, जो कि एक ब्लैक मैट फिनिश दिया गया है। उसी के पीछे एक साइड में हम लोग देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी कॉर्ड दी गई है। ऊपर के साइड में रेडमी का क्लियर एक अच्छा सा लोगो और प्रीमियम लुक दिख रहा है। पीछे की साइड में चाइनीज में कुछ लिखा गया है। वहाँ पे 5 वोल्ट और 500 mAh की बैटरी दी गई है इनसाइड। अगर इस फोन में ऑटोमेटिकली ये हेडफोन्स चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे दिया गया एक्सेसरीज के तौर पे ईयर प्लग्स और ये चाइनीज यूजर गाइड, जो कि हम लोग फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। और चलते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो चलो रुख करते हैं मेन डिवाइस की तरफ। रेडमी का ये है नॉन मैग्नेटिक लेकिन अच्छे से पैक होने वाला कवर। इनसाइड में हमें लेफ्ट और राइट के दो एयर डॉट्स मिलते हैं जो कि ब्लूटूथ से ऑटो कनेक्ट होते हैं। ऊपर के साइड पर इसके बटन्स दिए गए हैं जो गूगल असिस्टेंट को अच्छे से वर्क भी करते हैं। अगर प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो 1000 रुपीज़ में ये बेस्ट हेडफोन है वायरलेस कैटेगरी में। तो अभी तक ये इंडिया में तो लॉन्च हुए नहीं है। आशा करते हैं हम लोग इसके कॉम्पिटिशन में अदर कंपनियाँ भी ऐसे ही हेडफोन्स इंडिया में लॉन्च करेंगे। अगर केस की बात की जाए तो ये डिवाइस एयरडॉट्स को दो बार चार्ज कर देता है। आशा करते हैं ये जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को।